अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे सबका कंफर्ट फूड, खिचड़ी विद अ ट्विस्ट, जो बिल्कुल ब्लैंड नहीं होगी, बहुत टेस्टी होगी। इंग्रेडिएंट्स: एक कटोरी तुअर की दाल, सेम कटोरी मेजरमेंट का चावल चाहिए होगा, थोड़ा सा कम, दो लाल चिली तड़के के लिए, दो अनियंस, कोरिएंडर, टमाटो, ऑयल, घी, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, राई सीड्स, ज़ीरा, ग्रीन चिली, कश्मीरी रेड मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता और हींग। ये खिचड़ी तीन स्टेजेस में बनेगी। जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ वो स्टेज 2 और 3 है। सबसे पहले तुअर दाल और चावल को लीजिए, उसे 4-5 बार ठीक से धोइए ताकि उसके ऊपर जो भी कचरा हो या पाउडर लगा हो वो सब निकल जाए। उसे फिर गर्म पानी में 20 मिनट रहने दीजिए, हल्दी और नमक डाल के। कुकर में चढ़ाइए, 6-7 सीटियाँ बजने दीजिए, लेट इट कूल डाउन ऑन इट्स ओन, ढक्कन जल्दी नहीं खोलना। ट्विस्ट वाला स्टेज 2, बनाते हैं मसाला। उसके लिए लीजिए ऑयल, राई डालिए, हींग डालिए, लेट इट स्प्लटर, अनियन डालिए और एक जो ग्रीन मिर्ची हमने काटी थी वो डालिए। इन्हें मिक्स कीजिए, लेट द अनियंस बिकम ट्रांसलूसेंट। खिचड़ी इज़ अ वेरी कंफर्टिंग फूड, वेरी न्यूट्रिशियस होल मील। मेरे पापा जिंदगी भर रोज़ रात को सिर्फ खिचड़ी खाते थे। बेसिक खिचड़ी बहुत ब्लैंड होती है, हम इसे मसालेदार बना के टेस्टी बना रहे हैं ताकि सबके टेस्ट बस जाग जाए और सबको पसंद आए, इंक्लूडिंग किड्स। डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, धनिया जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और इस सारे मिक्सचर को सौते कीजिए, थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च या ग्रीन मिर्च ज़्यादा डालें। इस मसाले को बनाने में हमें कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। कुकर को ठंडा होने के बाद ही खोलिए क्योंकि गैस बंद करके ठंडा होने तक आपके इंग्रेडिएंट्स अंदर कुक हो रहे होते हैं। कुकर चढ़ाते वक्त हमने 2 बोल दाल और चावल लिया था तो हमें 4 बोल पानी डालना है। इसको ठीक से अच्छी तरह मिलाइए ताकि दाल ठीक से घुल जाए। हमारी बेसिक खिचड़ी रेडी है। अगर आपको ये ऐसे ही पसंद है तो कुकर चढ़ाते समय एक टुकड़ा दालचीनी और थोड़े से लौंग डाल दीजिए। विद द ट्विस्ट के लिए मसाले में ये खिचड़ी डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और इसे मिक्स करना शुरू करिए। मसाला खिचड़ी ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड होनी चाहिए। बबल्स आने तक रुकिए, आपके सेकेंड स्टेज की मसाला खिचड़ी रेडी है। अब इसमें और जायका डालने के लिए हम जाते हैं स्टेज 3 पर। पैन में लीजिए थोड़ा सा घी, उसमें डालिए थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो भी चलेगी, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है वो कुरकुरा दाना। उसमें डालिए 2 या 3 कश्मीरी लाल मिर्च, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता, एंड लेट इट स्प्लटर फॉर 10-15 सेकेंड्स। इस तड़के को डालिए आप अपने मसाला खिचड़ी पर, आपकी खिचड़ी विद द ट्विस्ट इज रेडी। अक्सर हम जब खिचड़ी नाम सुनते हैं तो वी एसोसिएटेड विद बीमारों का खाना या ब्लैंड फूड, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस रेसिपी से ऐसी खिचड़ी बनाएंगे तो यू विल फॉल इन लव विद खिचड़ी, एंड नॉट ओनली यू, आप जिसके लिए बनाओगे इंक्लूडिंग बच्चे, दे विल ऑल्सो रिलिश इट होल हार्टेडली। आपको अगर अदरक पसंद है तो थर्ड स्टेज में तड़के में आप अदरक के लंबे रेशे काट के डाल सकते हैं, इट विल रियली टेस्ट यम्मी। स्प्रिंकल सम फ्रेश कोरिएंडर एंड सर्व इट पाइपिंग हॉट। योर मसाला खिचड़ी विद अ ट्विस्ट इज रेडी। एंजॉय।